रेड स्काई एट इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया का जो स्काई था वो रेड हो गया था। तो यार एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आज तक कभी किसी भी क्लाइमेट का जो मौसम होता है वो कभी रेड नहीं हुआ है। तो यार ये स्काई रेड कैसे हो गया, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज मेरी वीडियो का, तो दोस्तों बने रहे दोस्तों मेरे साथ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं अवर मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। तो फ्रेंड्स यार मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यार हम बात करते हैं यार इंडोनेशिया के रेड स्काई के बारे में कि यार ये रेड स्काई आखिर था क्या, क्या भला थी ये इतना हमारा जो अर्थ था वो बिल्कुल मार्स में टर्न हो गया था, मार्स में कन्वर्ट हो गया था बिल्कुल रेड लाल। तो दोस्तों ये हुआ इसलिए था क्योंकि उस समय जो इंडोनेशिया में कुछ टाइम पहले करीब 2000 जो जंगल थे वो जलाए गए थे और वो बर्निंग होते गए थे, जलते रहे थे, तो वो दोस्तों रुके नहीं थे। तो यार ये इतने सारे जंगल जलाने का मतलब आखिर कारण क्या होता है, तो दोस्तों ये सारे जो जंगल जलते हैं वो पेपर और पल्प होती है उसको बनाने के लिए जलते हैं, और जो इनकी जिनकी वजह से हम काम करते हैं पेपर पे, पल्प जो गूदा होता है हमारा, वो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो फॉरेस्ट होते हैं उनको जलाया जाता है। दोस्तों ये हमारी वैसे तो देखा जाए हमारे एटमोसफेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन ऐसा करना पड़ता है दोस्तों। तो अब देखा जाए तो यार 2015 से लेकर अब तक इंडोनेशिया में करीब 800,000 एकड़ तक दोस्तों जंगल जलाया जा चुके हैं। 800,000 एकड़ तक दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा रेशियो होता है, बहुत ही बड़ा लैंड होता है जो अब तक जलाया जा चुका है। तो दोस्तों इंडोनेशिया में जो हमारा स्मोक आई थी इतना खतरनाक, जो हमारा अर्थ था जो मार्स में कन्वर्ट हो गया था, उसके पीछे की जो रीज़न था वो क्या था, तो दोस्तों रे लाइट स्कैटरिंग वो होती है, जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारा जो स्काई होता है तो वो उसके ब्लू इसलिए देखते क्योंकि ब्लू पार्टिकल्स को स्कैटर करता है, लेकिन उस दिन रेड पार्टिकल्स स्कैटर हो गए थे। तो दोस्तों वो रेड पार्टिकल्स स्कैटर होने की वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो सूरज को भी नहीं देख पाए थे, सन भी विजिबल नहीं था उस दिन। तो दोस्तों यार ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कितनी ज़्यादा डरावनी बात है कि सूरज भी उस दिन दिखा नहीं था, सिर्फ हमारे लाल एटमोसफेयर की वजह से। तो दोस्तों यार ये जो फॉरेस्ट होता है, मैंने जैसा आपको बताया था, ये पल्प और पेपर बनाने के लिए जलाया जाते हैं, और दोस्तों इसका जो रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पेपर चाहिए हमें क्योंकि इसलिए बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट जलाया जा रहा है। तो दोस्तों आज से 11,000 साल पहले तक जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी अलग पैटर्न का था, कभी सर्दी होती थी तो कभी गर्मी हो जाती थी, कभी इतनी सर्दी होती थी दोस्तों पूछो मत, और कभी गर्मी होने को तो 50 डिग्री से भी ऊपर पहुँच जाता था दोस्तों। करीब ये 100 सालों तक ऐसे ही रहता था, जैसे हमारा हर साल बदलता है टेम्परेचर, लेकिन जब 100 सालों तक एक ही टेम्परेचर रहता था पूरे वर्ल्ड में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यार कि जो हमारी इतनी अच्छी ग्रीनरी वाली अर्थ है वो धीरे धीरे एक मार्स, जो हमारा एक बंजर प्लेनेट है उसमें तकदीर होती जा रही है, हमारी अर्थ एक मार्स ही बनती जा रही है यार। जो रेड आज तक हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, पता नहीं आगे क्या क्या होगा अगर हम ऐसे करते रहे और अपने एटमॉस्फेयर को हमने ध्यान नहीं दिया तो। तो फ्रेंड्स यार आप बताओ कि आपको क्या लगता है इस बारे में कि हमें अपने एटमॉस्फेयर को थोड़ा ध्यान दे के ग्रीनरी को थोड़ा आगे प्रमोट करना चाहिए, या फिर हमें ऐसे अपने फ़ायदे के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।